हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय टीम्स तिवारी सर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 18 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने टोटल 17 लेक्चर्स इंटीग्रेशन पे डिलीवर कर दिए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर, इन लेक्चर नंबर 18, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू फाइंड द इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। 4 मार्क्स का क्वेश्चन ऑल टाइप्स ऑफ बोर्ड एग्जाम्स में आता ही है और एंट्रेंस एग्जाम्स के पर्पज से भी ये इम्पोर्टेंट है। माय डियर स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर, इन लेक्चर नंबर 17, हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था, जिसमें हमने ये सीखा कि हाउ टू इंटीग्रेट एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। इन लेक्चर नंबर 17, जिसमें हमने टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी में कन्वर्ट किया था। टाइप ए में डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स था, डिग्री ऑफ एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स था, और टाइप सी था when degree of f of x less than degree of g of x, which is called as partial fraction. So in lecture number 17 we covered type a and type b. In today's lecture, in lecture number 18, we are going to cover when degree of numerator is less than degree of denominator, called as partial fraction, wo type ke sum karenge. My dear students, partial fraction ko maine 4 parts mein divide kiya hai, which is type a, type b, type c and type d. Now let us continue type a in today's lecture. So type a in hum log lecture number 18 mein complete kar denge. Aaj ke lecture mein hum log distinct linear factor pe kaam karenge. Now what is the meaning of distinct linear factor? My dear students, for example, agar aapka ek quadratic equation hai x square plus 5x plus 6, to uske do factor aa sakte hain, 3 2 ja 6. So x square plus 3x plus 2x plus 6, और जब आप इसका पेयर बना के सॉल्व करोगे, यू विल गेट x plus 3 एंड x plus 2. आप देख सकते हो 3 और 2 ये दो फैक्टर आए जो कि डिस्टिंक्ट है. होप दैट आपको डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर का मतलब समझ में आ गया होगा. सिमिलरली टाइप बी में हम लोग रिपीटेड लीनियर फैक्टर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे अगर आपको 1 का फैक्टर चाहिए तो 1 1 जा 1, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा x प्लस 1 एक्स प्लस 1 आफ्टर सिंप्लीफाइंग. तो 1 और 1 आपको दो फैक्टर मिले, विच इज कॉल्ड एज रिपीटेड लीनियर फैक्टर. सिमिलरली टाइप सी में ये पॉसिबिलिटी है कि आपका फैक्टर डिस्टिंक्ट भी हो और रिपीटेड भी हो. फॉर एग्जाम्पल लाइक एक्स प्लस 1 दो बार आए और एक्स प्लस 2 एक बार आए, इसे बोलते हैं रिपीटेड. एंड सिंस 1 और 2 दो फैक्टर है तो इसे बोलेंगे डिस्टिंक्ट. तो टाइप सी में हम लोग डिस्टिंक्ट एंड रिपीटेड करेंगे. और टाइप डी जो होगा माय डियर स्टूडेंट्स, उसमें ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फैक्टराइज नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड एज नॉन फैक्टराइज इक्वेशन या नॉन फैक्टराइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इस तरह से हमने पार्शियल फ्रैक्शन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर टाइप ए डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर. बी रेडी एवरीवन. वेलकम बैक एवरीवन. लेट अस स्टार्ट टाइप ए डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर. बिफोर स्टार्टिंग टाइप ए डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, ये आपके सामने मैंने एक टेबल दिया है जिसको हम लोग जरा लर्न कर लेते हैं कि करना कैसे है. लेट अस, दिस इज कॉल्ड एज न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में कितने फैक्टर है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी. तो आपको क्या करना है, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी, इस तरह से आपको एक्सप्रेस करना है. दिस इज कॉल्ड एज रैशनल फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल फॉर्म. तो हम लोग रैशनल फॉर्म को पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सिमिलरली इन द सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इन द सेकेंड एग्जाम्पल, लेट अस अज्यूम ये आपका न्यूमरेटर हो गया. डिनोमिनेटर में कितने लीनियर फैक्टर है चेक करिए, और ए एक्स माइनस है, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस थ्री, सी, ऑल दी थ्री फैक्टर्स आर डिस्टिंक्ट. सो वी विल राइट ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी. तो दिस इज बोथ द नंबर 1 एंड नंबर 2 आर कॉल्ड एज डिस्टिंक्ट फैक्टर. नाउ थर्ड नंबर सी, यहाँ पे x माइनस ए का स्क्वायर है. माय डियर स्टूडेंट्स,
एक्स माइनस ए का स्क्वायर मतलब क्या होता है, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, इसका मतलब ये रिपीटेड फैक्टर हो गया। क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, रिपीटेड। और जब भी रिपीटेड फैक्टर होगा आपको लिखना ए अपॉन, ये स्क्वायर है ना तो आपको स्क्वायर तक जाना है, तो ए अपॉन एक्स माइनस ए रेस टू 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए रेस टू 2। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पे, देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर ये माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल अगर यही आपका ऐसे होता, फॉर एग्जाम्पल ये आपका क्यूब होता, अगर ये क्यूब होता तो आपका एक टर्म और आता प्लस सी अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब। होप दैट आपको रिपीटेड फैक्टर समझ में आया होगा ना, तो दिस इज कॉल्ड एज रिपीटेड लीनियर फैक्टर। ना फोर्थ केस, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स माइनस ए का स्क्वायर है एज वेल एज एक्स माइनस बी है, तो ये आपका डिस्टिंक्ट भी हो गया एज वेल एज रिपीटेड हो गया, तो डिस्टिंक्ट एंड रिपीटेड। तो आपको क्या करना है, ये जो रिपीट हुआ है एक्स माइनस ए का स्क्वायर पहले उसे कंप्लीट करेंगे, ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, और जो डिस्टिंक्ट है दैट इज एक्स माइनस बी, उसको सी अपॉन एक्स माइनस बी लिख देना है। लेट अस कंटिन्यू। सिमिलरली आप देख सकते हैं अगर क्यूब होगा तो ए अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, सी अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब, और जो डिफरेंट है उसको डी अपॉन एक्स माइनस बी लिखना है। तो दिस नंबर 4 एंड 5 आर कॉल्ड एज डिस्टिंक्ट एंड रिपीटेड। नंबर 5 के बाद नंबर 6 आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फैक्टर एक्स माइनस ए जिसको हमने ए अपॉन एक्स माइनस ए लिखा, एंड माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे दूसरा फैक्टर है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे प्लस माइनस दिया मतलब प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे हमने लिखा है कि ये नॉन फैक्टराइजेबल है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन फैक्टराइजेबल, मतलब इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। जब भी फैक्टर पॉसिबल नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स क्या देखना है, व्हाट इज द हाईएस्ट पावर हियर, द हाईएस्ट पावर इज 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेबल नहीं है तो आपको उसके न्यूमरेटर में लीनियर लिखना है, लीनियर फैक्टर्स। तो आपको अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मिला तो आपको न्यूमरेटर में लीनियर फैक्टर्स लिखना है, दैट मीन्स बी एक्स प्लस सी। फॉर एग्जाम्पल इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको डिनोमिनेटर में मिला ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ये फैक्टराइजेबल नहीं है मतलब इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में सिंस ये क्यूबिक है तो इसके डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आएगा, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अगर क्यूबिक है तो क्वाड्रेटिक आएगा, और अगर क्वाड्रेटिक है तो लीनियर आएगा। होप दैट आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट फर्स्ट टाइप ए डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। तो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स में मैंने टोटल माय डियर स्टूडेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 मैंने टोटल 8 प्रॉब्लम्स कलेक्ट किए हैं। लेट अस सॉल्व फ्यू सम्स फ्रॉम दिस एंड फ्यू सम्स आर होमवर्क फॉर यू। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्या करेंगे हम, लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x+1 अपॉन एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। माय डियर स्टूडेंट्स देखिए 1, 2, 3 ऑल दिस 3 आर डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, तो हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ये रैशनल फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है, रैशनल। हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे पार्शियल फॉर्म में, कैसे, लेट 2x+1 अपॉन एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4 कैसे लिखेंगे, ए अपॉन पहला फैक्टर, बी अपॉन दूसरा फैक्टर और सी अपॉन तीसरा फैक्टर। गिव दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और ये जो आपने कन्वर्ट किया गिव दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब आपको क्या करना है माय डियर स्टूडेंट्स, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो 2x+1 अपॉन एक्स एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 4,
इज इक्वल टू एलसीएम कैसे लेना, मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ। आप इधर अपॉन कर दीजिए और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है यही यहाँ पे कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी कर लीजिए पूरा का पूरा डिनोमिनेटर। सो दैट इज एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर। ये कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ क्या लिखा है ए, तो आप लिख दीजिए पहले ए, ए के अपॉन में क्या लिखा है एक्स। ठीक, तो आप यहाँ से एक्स को हटा दीजिए, एक्स एलिमिनेट कर दीजिए, क्या बचा एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। होप दैट आपको समझ में आया होगा सर क्या कह रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स है तो एक्स को हाइड कर देना है, क्या कर देना हाइड, और जो बचा उसको यहाँ पे लिख देना है। ओके लेट अस कंटिन्यू। सो ए ये एक्स है तो एक्स को हाइड कर दिया, क्या मिलेगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर। सिमिलरली प्लस बी अपॉन में क्या एक्स माइनस वन, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से एक्स माइनस वन हटा देना है, तो क्या बचेगा एक्स एक्स माइनस फोर। तो आपको लिखना है एक्स एक्स माइनस फोर प्लस प्लस सी टाइम्स, इसको थोड़ा स्पेस बना लेते हमारे लिए, प्लस चलो यहां मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं एक्स प्लस यहाँ सी लिखा है तो आप यहाँ सी लिखेंगे, अपॉन में क्या एक्स माइनस फोर, इसको हाइड कर देंगे, क्या बचा एक्स एक्स माइनस वन बचा एक्स एक्स माइनस वन। होप दैट आपको एलसीएम लेने आ गया होगा। नाउ देयरफॉर अब दोनों साइड आप इक्वेट करिए, तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर इक्वल टू न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर आपके न्यूमरेटर के इक्वल हो जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट टू एक्स प्लस वन इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस फोर प्लस बी टाइम्स बी एक्स एक्स माइनस फोर प्लस सी एक्स एक्स माइनस वन। गिव दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स अब हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ ध्यान से सुनिए। लेट अस फाइंड ए, जब आप ए फाइंड आउट करोगे तो आपको ये देखना बी और सी के जो टर्म्स हैं उनमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है कमेंट बॉक्स में डालिए। आप देख सकते हैं दोनों में एक्स है कि नहीं है, यस, तो जो कॉमन होगा माय डियर स्टूडेंट्स आपको उसे जीरो पुट करना है, क्या पुट करना है जीरो। तो पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री में जीरो डाल दो क्या मिलेगा टेल मी कम ऑन ट्रैक। तो टू टाइम्स जीरो प्लस वन ए टाइम्स जीरो माइनस वन माइनस वन, एक्स के जगह पे जीरो डालते जाइए तो जीरो माइनस वन माइनस वन जीरो माइनस फोर माइनस फोर, और ये बी इंटू जीरो कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगा, सी इंटू जीरो कंप्लीट टर्म जीरो हो जाएगा, तो नो नीड टू राइट। सो वी गेट टू जीरो जा जीरो, तो वी गेट वन इज इक्वल टू फोर ए, वी गेट ए की वैल्यू वन बाय फोर। सिमिलरली अब हमें क्या फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल हमें बी फाइंड आउट करना है, तो आपको चेक करना है ए और सी में क्या सेम है। देख सकते हैं आप एक्स माइनस वन क्या है, एक्स माइनस वन दोनों में कॉमन है, तो वी आर गोइंग टू पुट एक्स माइनस वन इज जीरो। सो नाउ पुट एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन थ्री। नाउ एक्स माइनस वन जीरो इट मीन्स क्या पुट करना है, दैट इज पुट एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू वन पुट करेंगे क्या मिलेगा टू इंटू वन प्लस वन, वी गेट टू इंटू वन प्लस वन इज इक्वल टू, चलो देखो एक्स माइनस वन को जीरो पुट करोगे माय डियर स्टूडेंट्स ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा। यस ध्यान से देखिए एक्स माइनस वन जीरो डालोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, यस राइट। नाउ एक्स माइनस वन जीरो डालोगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, राइट यस। तो एक्स के जगह पे वन कहाँ पे डालोगे, खाली ये वाली स्ट्रिप्स में, पुट एक्स इक्वल टू वन, वी गेट बी टाइम्स वन इंटू वन माइनस फोर, बी टाइम्स वन इंटू वन माइनस फोर, तो टू वन जा टू, टू प्लस वन थ्री, थ्री इज इक्वल टू बी इंटू माइनस थ्री, सो वी थ्री थ्री गेट कैंसल, वी गेट बी की वैल्यू माइनस वन, तो हमें बी की वैल्यू माइनस वन मिल गई माय डियर स्टूडेंट्स। नाउ लेट अस प्रोसीड फॉर वैल्यू फॉर सी,
अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है, कैसे करोगे? तो आपको ये देखना है दोनों में कॉमन क्या है। सी निकालना है तो ए और बी में क्या कॉमन है, आप देख सकते हैं एक्स माइनस फोर दोनों में कॉमन, राइट। हमें सी फाइंड आउट करना है तो ए और बी में कॉमन फाइंड आउट करना है, तो एक्स माइनस फोर आपको कॉमन दिख रहा है, सो पुट एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो। स्लाइड में कर लेते हैं, यहाँ पे लेट अस कंटिन्यू, और यहाँ पे लिख देते हैं पुट पुट एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन थ्री, इन इक्वेशन थ्री, मतलब एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है, फोर। तो एक्स माइनस फोर को जीरो डालोगे, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, राइट। नाउ क्या मिलेगा, एक्स के प्लेस पे फोर डालो, टू फोर जा एट, एट प्लस वन नाइन, नाइन इज इक्वल टू सी टाइम्स फोर, फोर माइनस वन, यू विल गेट नाइन इक्वल टू सी टाइम्स फोर इंटू थ्री, सो यू विल गेट थ्री थ्री जा थ्री, थ्री जा नाइन, सो यू विल गेट थ्री इज इक्वल टू फोर सी, सो यू विल गेट सी इज इक्वल टू थ्री बाय फोर। तो हमें ए बी और सी तीनों वैल्यू मिल गई, ए मिला वन बाय फोर, बी मिला माइनस वन, और सी मिला थ्री बाय फोर। इसे उठा के ए बी सी को आपको इक्वेशन टू में डालना है, मतलब ये प्लेस पे, ये प्लेस पे और ये प्लेस पे आपको क्या करना है, एबीसी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो फ्रॉम टू, सो देयरफॉर फ्रॉम टू, नाउ व्हाट इज फ्रॉम टू, टू एक्स, इक्वेशन नंबर टू देख लीजिए, टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, क्या था माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स एक्स माइनस वन, एक्स माइनस फोर, एक्स x माइनस वन, एक्स माइनस फोर, विच इज इक्वल टू a की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, वन बाय फोर, सो वन बाय फोर अपॉन x, b की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन अपॉन x माइनस वन, और c की वैल्यू प्लस थ्री बाय फोर, तो प्लस थ्री बाय फोर टाइम्स, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, थ्री बाय फोर अपॉन एक्स माइनस फोर। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको ये देखो, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन है ना, ये आई में है, तो आपको इसके प्लेस पे ये पूरा सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। सो फ्रॉम वन, फ्रॉम इक्वेशन वन, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यस, वन बाय फोर अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, प्लस थ्री बाय फोर अपॉन एक्स माइनस फोर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपका ये वन बाय फोर बाहर आ गया, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स माइनस वन अपॉन एक्स लॉग मॉड एक्स, प्लस थ्री बाय फोर आपका बाहर आ गया, अगेन वन अपॉन एक्स लॉग मॉड एक्स माइनस फोर प्लस सी। माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल आंसर। होप दैट आपको सबसे पहला सम पार्शियल फ्रैक्शन का समझ में आया होगा। माई डियर स्टूडेंट्स, पार्शियल फ्रैक्शन के सम्स लेंथी होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर फोर मार्क्स। सो वी कंप्लीटेड द फर्स्ट सम, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम, दिस इज द सेकंड सम। माई डियर स्टूडेंट्स, हमने आप लोगों के लिए सॉल्व करके दिया है। फर्स्ट सम में आप देख सकते हैं आपके पास ऑलरेडी फैक्टर्स थे, सेकंड सम में आपको फैक्टर नहीं दिया है, तो आपको सबसे पहले फैक्टराइज करना होगा। तो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, कैसे पता चला ये पार्शियल फ्रैक्शन है, एक्स का पावर आप देखो, एक्स का पावर वन है और डिनोमिनेटर में टू है, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो गया पार्शियल। नाउ यहाँ पे क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, सबसे पहले आप फैक्टराइज करोगे, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन, टू वन जा टू, तो टू का फैक्टर आपको निकालना है, टू का फैक्टर क्या होगा, टू का फैक्टर होगा टू वन जा टू, यही होगा राइट। तो आपका हो जाएगा ये माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, तो आपका आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस वन। तो आप पेयर बनाएंगे तो यू विल गेट, यहाँ टू एक्स कॉमन आ जाएगा, तो टू एक्स कॉमन, यू विल गेट एक्स माइनस वन
यहाँ पे आपका प्लस एक्स माइनस वन, तो ये एक्स माइनस वन यू विल टेक कॉमन, तो यू विल गेट एक्स माइनस वन कॉमन, तो बचेगा टू एक्स, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब वन है, तो टू एक्स प्लस वन। सो व्हाट आर द फैक्टर, एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस वन। तो आप देख सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन के प्लेस पे हमने क्या लिखा, एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन टू एक्स प्लस वन। होप दैट आपको ये फैक्टर्स निकालना समझ में आ गया होगा। नाउ आफ्टर दिस, सिंस एक बार ये फैक्टर आ गया, और ये फैक्टर कैसे हैं आप देख सकते हैं, ये फैक्टर डिस्टिंक्ट है, ये डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है। तो अभी अभी हमने सम नंबर वन में कैसे किया, इसको दे दो आप इक्वेशन नंबर वन। नाउ आपको क्या करना है, दिस इज इक्वल टू ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर। तब आप एलसीएम ले लोगे, ए टाइम्स टू एक्स प्लस वन, बी टाइम्स एक्स माइनस वन, आप देख सकते हैं, यस। नाउ आफ्टर दैट, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो बी के साथ जो होगा उसे जीरो डालना है, तो पुट एक्स माइनस वन को जीरो, मतलब एक्स के प्लेस पे क्या पुट करना है, वन। तो देखिए पुटिंग एक्स इक्वल टू वन, तो आप एक्स के प्लेस पे जब वन पुट करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको ए की वैल्यू आ जाएगी टू बाय थ्री। नाउ आफ्टर दैट, उसके बाद अब हमें क्या निकालना है, अब हमें बी कैलकुलेट करना है, तो टू एक्स प्लस वन को जीरो डालना है, तो टू एक्स प्लस वन को जब आप जीरो डालोगे, मतलब टू एक्स इक्वल टू माइनस वन, मतलब एक्स के प्लेस पे आपको माइनस वन बाय टू पुट करना है। आप देख सकते हैं पुटिंग एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय टू इन इक्वेशन नंबर वन। होप दैट आपको समझा होगा एक्स इक्वल टू माइनस हाफ कैसे लिया, तो एक्स के प्लेस पे आप माइनस हाफ डाल देंगे, तो जब आप एक्स के प्लेस पे माइनस हाफ मतलब यहाँ पे डालना है, इसमें आपको एक्स के प्लेस पे क्या डालना है, एक्स के प्लेस पे आपको माइनस हाफ डालना है, तो जब आप एक्स के प्लेस पे माइनस हाफ डालोगे तो आपको बी की वैल्यू फाइव बाय थ्री आ जाएगी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी फाइव बाय थ्री। आफ्टर गेटिंग ए और बी की वैल्यू, आपको ये ए के प्लेस पे टू बाय थ्री डाल देना है और बी के प्लेस पे फाइव बाय थ्री डाल देना है, यू विल गेट दिस स्टेप, एंड आफ्टर गेटिंग दिस स्टेप आपको फाइनली क्या कर देना है, इंटीग्रेट। सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस दिस, ये टू बाय थ्री कॉन्स्टेंट हो जाएगा, वो बाहर आ गया, फाइव बाय थ्री भी कॉन्स्टेंट है वो भी बाहर आ जाएगा। सो फाइनली माई डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस फाइव बाय थ्री टाइम्स इंटीग्रेशन वन अपॉन टू एक्स प्लस वन। नाउ वी आर गोइंग टू यूज फॉर्मूला वन अपॉन एक्स लॉग मॉड एक्स, और सिमिलरली यहाँ पे भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वन अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स का लॉग मॉड एक्स होगा, और सिंस यहाँ एक्स के कोएफिशिएंट में टू है तो अपॉन में क्या आ जाएगा टू प्लस सी। होप दैट आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सॉल्व करके दिया है और मैंने ये सब आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है, तो आप इसे सॉल्व करके अपना आंसर वेरीफाई कर लो। क्वेश्चन नंबर थ्री, दिस सम इज मार्क्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर एंट्रेंस एज वेल एज बोर्ड एग्जाम पर्पस। नाउ इंटीग्रेशन वन प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू थ्री प्लस लॉग एक्स इंटू टू प्लस थ्री लॉग एक्स, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन का प्रॉब्लम। माय डियर स्टूडेंट्स, इस सम को हम कैसे करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स साइड में है और लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स होता है, तो इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूँ और अगर मैं बाजू में वन लिखूं तो आपको आप देख सकते हो कि हमें यहाँ पे वन अपॉन एक्स दिखेगा, दिस इज वन अपॉन एक्स, तो पुट लॉग एक्स इक्वल टू टी वन अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये वन अपॉन एक्स डी एक्स के प्लेस पे यहाँ पे हमने डी टी लिख दिया, ये आपका हो जाएगा वन प्लस टी, ये हो जाएगा थ्री प्लस टी, ये हो जाएगा टू प्लस थ्री टी, देख सकते हैं वन प्लस टी थ्री प्लस टी टू प्लस थ्री टी। होप दैट आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्लियर हो गया होगा। आफ्टर दिस आप देख सकते हैं ये फैक्टर्स क्या है, डिस्टिंक्ट है, तो ये रैशनल फॉर्म को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हम लोग इस रैशनल फॉर्म को पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो वी विल राइट ए अपॉन थ्री प्लस टी प्लस बी अपॉन टू प्लस थ्री टी। नाउ आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको बी के साथ क्या है थ्री प्लस थ्री, पुट टी इक्वल टू माइनस थ्री, यू विल गेट ए इक्वल टू टू बाय सेवन। सिमिलरली जब आपको बी फाइंड करना होगा तो टू प्लस थ्री टी को जीरो डालना होगा, तो यू विल गेट थ्री टी इक्वल टू माइनस टू, यू विल गेट टी इज माइनस टू बाय थ्री,
आप पी को -2/3 डालेंगे, आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी। आफ्टर गेटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी आप क्या कर देंगे, आपको ए की वैल्यू मिल गई 2/7, बी की वैल्यू मिल गई 1/7, आप इस प्लेस पे पुट कर दोगे ए और बी की वैल्यू एंड फाइनली यू विल इंटीग्रेट, यू विल गेट दिस आंसर, आपको यह आंसर मिल जाएगा। और लास्ट में आपको पी के प्लेस पे क्या करना है, आपको लास्ट में टी के प्लेस पे लॉग एक्स सब्स्टिट्यूट कर देना है। होप दैट माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सम। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ -3x² -9x +1 अपॉन 2x² -x -10। माय डियर स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ पे न्यूमरेटर का पावर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर का पावर क्या हो गया, छोटा हो गया। तो बेसिकली ये पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है। तो बोलोगे सर ये पार्शियल फ्रैक्शन नहीं है तो आपने पार्शियल फ्रैक्शन में क्यों लिया ये सब, तो वेट एंड वॉच। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, जब भी न्यूमरेटर का डिग्री बड़ा होगा डिनोमिनेटर का डिग्री छोटा होगा, तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ाया था, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था कि आपको डिवाइड करना होता है। मैंने यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिया है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये डिवीजन नहीं आता है तो आप लास्ट लेक्चर देख के समझ लीजिए। यहाँ पे हमने आपको डायरेक्ट डिवीजन दे दिया है, सिंस वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए हमने यहाँ पे डिवीजन पहले से करके दिया है। डिवाइड करने के बाद आपको क्या लिखना होता था, डिविडेंड। व्हाट इज डिविडेंड, दैट इज 2x³ -3x² -9x +1। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, कोशेंट इज x -1 प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस नहीं क्योंकि रिमाइंडर है -9, आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए। ये स्टेप्स आने के बाद आपको क्या करना था माय डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस आपको ये आई, दिस इज आई, आपको न्यूमरेटर को रिप्लेस करना है इस पार्ट से। यस, न्यूमरेटर के प्लेस पे आप ये पार्ट लिखेंगे, राइट। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको थोड़ा सा भी तकलीफ आ रहा होगा तो ये वीडियो को पॉज करके पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। सो व्हाट इज आई, देयरफॉर आई इक्वल टू, देयरफॉर आई इक्वल टू एक मिनट मारी स्टूडेंट, थोड़ा मैं स्क्रॉल कर लेता हूं। यस, सो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x² -x -10 इंटू x -1 -9 अपॉन डिनोमिनेटर दैट इज 2x² -x -10 विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आपका आई आ जाएगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स जब आप सेपरेट करोगे तो यू विल गेट, लेट अस सेपरेट करिए, इसे आप थोड़ा सा सेपरेट करके देख सकते हैं क्या आएगा। सो व्हेन यू आर गोइंग टू सेपरेट दिस, सो वी गेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ब्रैकेट 2x² -x -10 इंटू x -1 अपॉन 2x² -x -10 माइनस, या मैं प्लस कर देता हूँ, -9 को साथ में ले लेता हूँ, -9 अपॉन 2x² -x -10 ब्रैकेट क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू x। आप देख सकते हैं दिस कैंसल, तो वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ x -1, ध्यान से देखिए x -1 प्लस -9 अपॉन दिस, ये हमें मिलेगा। तो ये हमको मिल गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसके आगे सम सॉल्व करके दे दिया है आपको। तो ना ये इंटीग्रेशन सब पे अप्लाई हो जाएगा, तो वी टेक इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तीनों का इंटीग्रेशन ले लिया हमने। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ x इज x² / 2, इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज x, और ये प्लस माइनस दैट इज -9 अपॉन दिस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है डिनोमिनेटर में, तो आप क्या करो फैक्टराइज करो, तो 2x² -x -10, व्हाट इज 10 टू जा 20, तो आप 20 के फैक्टर निकालो, सो वी गेट 20 का फैक्टर 5, 4 जा 20, तो -5 +4, सो वी गेट
2x² प्लस 4x माइनस 5x माइनस 10। तो ये पेयर बना लेंगे दो दो का, तो 2x कॉमन आ जाएगा, वी गेट x प्लस 2 माइनस 5 कॉमन, वी गेट x प्लस 2। सो व्हाट आर द फैक्टर? द फैक्टर इज 2x माइनस 5 x प्लस 2। आप देख सकते हैं जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो हमें आया 2x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ पे हमने आपको माय डियर स्टूडेंट्स फैक्टराइज करके हमने दिखा दिया है। आप बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नो नीड, क्योंकि सम लेंथी है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका फैक्टर ये है। ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू। तो ये x² / 2 माइनस एक्स, लेट अस कॉल दिस इज I1। इसको हमने क्या बोल दिया? I1। हम सेपरेट सॉल्व करेंगे। ओके, सो लेट अस कॉल दिस इज I1। आफ्टर दिस वेयर I1 इज दिस। नाउ ये हो गया आपका, देख सकते हैं आप, डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। ये हो गया पार्शियल, ये दो फैक्टर डिस्टिंक्ट है, तो ये हो गया पार्शियल फ्रैक्शंस। तो हम क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ए अपॉन दिस प्लस बी अपॉन दिस, देन वी टेक एलसीएम ए इंटू दिस बी इंटू दिस, देन वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे हमने ए की वैल्यू फाइंड की, बी की वैल्यू फाइंड आउट की। माय डियर स्टूडेंट्स हमें ए की वैल्यू आई 2, देख सकते हैं आप ए की वैल्यू 2 आई, और आगे आप सॉल्व करोगे आपको बी की वैल्यू आ गई -1। नाउ ये ए और बी की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की, और फाइनली अब हमें क्या करना है? इंटीग्रेट। सो वी गेट 2, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स? तो आंसर इज लॉग मॉड एक्स। लॉग मॉड 2x माइनस 5 अपॉन व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? 2 माइनस सिमिलरली 1 अपॉन एक्स लॉग मॉड एक्स प्लस सी। ये आ गया माय डियर स्टूडेंट्स I1। 2 2 गेट कैंसिल। सो I1 I1 है तो यहाँ पे आप C1 लिखो। तो I1 वी गेट फाइनली log mod 2x माइनस 5 माइनस log mod x प्लस 2 प्लस C1। अब ये I1 को हम कहाँ करेंगे? I1 को हम लोग माय डियर स्टूडेंट्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे? ये I1 के प्लेस पे। ओके, ये आपका I है। सो फाइनली वी गेट I इज इक्वल टू x² / 2 माइनस एक्स। लेट अस कंटिन्यू। आई इक्वल टू x² / 2 माइनस एक्स, देयरफॉर आई इज इक्वल टू x² / 2 माइनस एक्स माइनस ब्रैकेट लॉग मॉड 2x माइनस 5 माइनस लॉग मॉड x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस सी लिखना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स x² / 2 माइनस एक्स माइनस व्हाट इज लॉग ए अप माइनस लॉग बी? दैट इज लॉग ए अपॉन बी, लॉग ऑफ 2x माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 2। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया प्लस सी। सो फाइनली वी गेट द करेक्ट आंसर इज आई इक्वल टू x² / 2 माइनस एक्स माइनस लॉग मॉड 2x माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। होप दैट आपको माय डियर स्टूडेंट्स ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। सम्स बहुत लेंदी थे बट इम्पोर्टेंट थे, इसके लिए मैंने माय डियर स्टूडेंट्स मैक्सिमम सम्स आपको कराया है। वीडियो लंबा होगा क्योंकि हमने आपके लिए ज्यादा से ज्यादा सम कराए हैं। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर सेम हो गया, तो x² प्रीवियस सम में क्या था? पावर बड़ा था तो हमने डिवाइड किया। ये सब में पावर सेम है तो आइदर डिवाइड करो और एडजस्ट करो। तो यहाँ पे हमने क्या किया? एडजस्ट किया। देखिए यहाँ -6 है तो मैंने क्या लिख दिया? मैंने -1 को लिखा -6 + 5। व्हाट इज -6 + 5? -6 + 5 इज -1। ओके, नाउ आफ्टर दैट हमने सेपरेट द डिनोमिनेटर किया, तो दिस अपॉन दिस प्लस 5 अपॉन दिस ये कैंसल हो गया, यू विल गेट 1 प्लस 5 अपॉन दिस। नाउ आफ्टर दैट उसके बाद सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने इसके फैक्टर निकाले, वी गेट x प्लस 3 x माइनस 2। नाउ ये आ गया डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू? मैंने इसको अलग से कंसिडर किया और हमने a अपॉन b अपॉन करके पार्शियल फ्रैक्शन यूज किया, एंड फाइनली हमें a की वैल्यू मिली -1, बी की वैल्यू मिली 1। हम इस जगह पे रिसब्स्टिट्यूट कर देंगे ए और बी को, और फाइनली आप इंटीग्रेट करोगे, यू विल गेट दिस आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स होप दैट
आपको ये सब समझ में आया होगा, मैंने सम को ऑलरेडी सॉल्व करके दिया है, खाली आप लोगों के साथ डिस्कस किया जिससे आपको पता चल जाए सम कैसे सॉल्व करते हैं। अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स ये प्लस वाला टर्म पहले लिख दो, प्लस लॉग मॉड एक्स माइनस टू, और ये माइनस वाला टर्म बाद में लिख दो, माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस थ्री प्लस सी। सो इसे आप लिख सकते हैं आई इक्वल टू एक्स प्लस व्हाट इज लॉग ए माइनस लॉग बी, यू कैन राइट लॉग ऑफ ए अपॉन बी प्लस सी। आइदर यू विल स्टॉप योर आंसर हियर और यू विल स्टॉप योर आंसर हियर, बोथ द आंसर कंसिडर टू बी करेक्ट आंसर। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट सम। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सम, दिस इज लिटिल बिट डिफिकल्ट सम, लेट अस डिस्कस इट। दिस इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स इंटू एक्स रेज टू एन प्लस वन डीएक्स। अभी ये सम को हम कैसे करेंगे? सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ट्रिक देना है। अगर मैं एक्स रेज टू एन प्लस वन को टी पुट करूं, ये सब्स्टिट्यूशन है, थोड़ा सा क्यू टी पुट करेंगे, वेट एंड वॉच, लेट अस पुट एक्स रेज टू एन प्लस वन को टी, तो आपको डेरिवेटिव क्या मिलेगा? या अगर एक्स रेज टू एन प्लस वन को नहीं पुट करना है तो आप केवल एक्स रेज टू एन को भी टी पुट करेंगे तो भी चलेगा, दोनों में से किसी को भी पुट करिए। सपोज एक्स रेज टू एन को टी पुट किया तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? एन एक्स रेज टू एन माइनस वन डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यू विल गेट एक्स रेज टू एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन एन। ओके, तो यहाँ तो डी एक्स है तो डी एक्स के साथ क्या होना चाहिए? एक्स रेज टू एन माइनस वन होना चाहिए। तो व्हाट वी विल डू, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करेंगे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स रेज टू एन माइनस वन। तो न्यूमरेटर में एक्स रेज टू एन माइनस वन का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में एक्स रेज टू एन माइनस वन का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों किया? दैट आपको समझ में आया होगा। लेट्स कंटिन्यू इन टू वन, और डिनोमिनेटर में क्या है? इन टू एक्स एक्स रेज टू एन प्लस वन डी एक्स। ओके, नाउ विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन माइनस वन अपॉन, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो। जब आप ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x का पावर वन है, पावर एड हो जाएगा, यू विल गेट x रेज टू n माइनस वन प्लस वन इंटू एक्स रेज टू n प्लस वन डी एक्स। सो माई डियर स्टूडेंट्स, यू विल गेट इंटीग्रेशन x रेज टू n माइनस वन अपॉन x रेज टू n इंटू x रेज टू n प्लस वन डी एक्स। नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट x रेज टू n के प्लेस पे t, सो देयरफॉर I इज इक्वल टू एक्स रेज टू एन के प्लस पे क्या पुट करना है? टी। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा टी टी प्लस वन, और आप देख सकते हो एक्स रेज टू एन माइनस वन डी एक्स, जो ऑलरेडी मैंने ये साइड में आपको डेरिवेटिव निकाल के दिया है, दैट इज डी टी अपॉन एन। तो उसके प्लस पे आप क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट? डी टी अपॉन एन। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा वन और साइड में आ जाएगा डी टी अपॉन एन। ना ये अपॉन एन कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, so we get 1 upon n integration 1 upon t t plus 1 dt, if this is number 1, और ये आपका आ गया पार्शियल फ्रैक्शन। क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स? पार्शियल फ्रैक्शन आप देख सकते हैं। तो लेट 1 upon t t plus 1 which is a upon t plus b upon t plus 1 number 2, उसके बाद आप एलसीएम ले लेंगे a times t प्लस वन प्लस बी टी विच इज इक्वल टू वन। इतने सारे सम किए बच्चों तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं दिस वन इक्वल टू एलसीएम। नाउ आफ्टर दैट हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, गिव दिस इज नंबर थ्री। नाउ ए फाइंड आउट करना है तो बी के साथ में जो है उसको जीरो, तो बी के साथ कौन है? टी। तो पुट टी इज जीरो, तो आपको मिलेगा वन इज इक्वल टू ए टाइम्स जीरो प्लस वन, तो ए की वैल्यू आ गई वन। नाउ ऑन अनदर हैंड हमें बी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है माय डियर स्टूडेंट्स? बी। तो जब बी फाइंड करना है तो ए के साथ में जो होगा उसको जीरो पुट करो, तो पुट टी प्लस वन को जीरो, मतलब टी के प्लेस पे माइनस वन, तो क्या मिलेगा हमें? वन इज इक्वल टू ए टाइम्स जीरो प्लस बी टाइम्स माइनस वन। तो हमें वन इक्वल टू माइनस बी मिला, तो b की वैल्यू आ गई माइनस वन। हमें a और b की वैल्यू मिल गई माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर टू।
सो फ्रॉम टू, फ्रॉम टू आई व्हाट इज इक्वेशन नंबर टू, दैट इज वन अपॉन टी टी प्लस वन, वन अपॉन टी टी प्लस वन इज इक्वल टू ए अपॉन टी एंड बी क्या माइनस वन, माइनस वन अपॉन टी प्लस वन. ओके ना फ्रॉम वन अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो फ्रॉम वन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ब्रैकेट वन अपॉन टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन डी टी. चलो इक्वेशन नंबर वन जरा ध्यान से देख लो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वन अपॉन एन बाहर है तो वन अपॉन एन हमें वहां लिखना पड़ेगा केयरफुली. सो यहाँ पे आ जाएगा वन अपॉन एन. ओके सो देयरफॉर वन अपॉन एन, नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय टी, दैट इज लॉग मॉड टी. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी प्लस वन, अगेन लॉग मॉड टी प्लस वन ब्रैकेट क्लोज प्लस सी. नाउ व्हाट इज लॉग ए माइनस लॉग बी, दैट इज वन अपॉन एन लॉग ए अपॉन बी, तो टी अपॉन टी प्लस वन प्लस सी. नाउ व्हाट इज टी, टी क्या लिया था हमने, हमने टी लिया था एक्स रेज टू एन, तो टी के प्लेस पे क्या डालोगे एक्स रेज टू एन. तो फाइनल आंसर आई इज इक्वल टू वन अपॉन एन लॉग मॉड एक्स रेज टू एन अपॉन एक्स रेज टू एन प्लस वन प्लस सी. दिस इज फाइनल आंसर. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. तो ये सब को आप ध्यान से देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स और अच्छे से याद रखिए. इट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर शॉर्ट टर्म. मैंने इसी के ऊपर बेस्ड एक सम आप लोगों के लिए लिया है. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन. मैंने एन के जगह एक नंबर लेके ये सम को सॉल्व किया है, दैट इज द नेक्स्ट. आप देख सकते हैं एन के जगह मैंने क्या लिया है फाइव. तो माय डियर स्टूडेंट्स अगर यही क्वेश्चन एमसीक्यू में आया तो आप कैसे करोगे. इन द एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आपको एक्स के जगह फाइव पूछा है तो व्हाट यू विल डू, समझो एक्स एन के जगह फाइव पूछा है तो उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एन के जगह फाइव लिख दो, तो वन बाय फाइव लॉग मॉड एक्स रेज टू फाइव अपॉन एक्स रेज टू फाइव प्लस वन प्लस सी. आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर वही होगा, दैट इज दिस सी हियर. और यहां पे वन बाय फाइव लॉग मॉड एक्स रेज टू फाइव अपॉन एक्स रेज टू फाइव प्लस वन, वन बाय फाइव लॉग मॉड एक्स रेज टू फाइव अपॉन एक्स रेज टू फाइव प्लस वन प्लस सी. तो ये मैंने आपको ट्रिक सिखाई है कि अगर एमसीक्यू में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है हाउ यू विल डू इट. तो आप डायरेक्ट ये लाइन अगर आपको याद होगी माय डियर स्टूडेंट्स तो आपको इतना बड़ा सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो. तो जिस तरह से ये सम हमने सॉल्व किया है ऑन द सेम ट्रैक हमने आपको ये सम सॉल्व करके दिया है, आप सॉल्व करिए और आप अपने आंसर को वेरीफाई करिए. यहाँ पे एक्स रेज टू फाइव को अगर आप तीन लोगे तो उसका डेरिवेटिव फाइव एक्स रेज टू फोर होता है, मतलब हमें एक्स रेज टू फोर की जरूरत है. इसके लिए न्यूमरेटर में एक्स रेज टू फोर और डिनोमिनेटर में एक्स रेज टू फोर का मल्टीप्लाई किया है. जब आप न्यूमरेटर में एक्स रेज टू फोर का मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर में एक्स रेज टू फोर का मल्टीप्लाई करोगे तो न्यूमरेटर एक्स रेज टू फोर हो जाएगा और डिनोमिनेटर एक्स रेज टू फाइव हो जाएगा. तो दैट आपको समझ में आ गया होगा. और आफ्टर दैट पुट एक्स रेज टू फाइव इक्वल टू टी एंड सॉल्व लाइक अ प्रीवियस एग्जाम्पल. लेट अस प्रोसीड टू द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द लेक्चर. नाउ माय डियर स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फाइव. जब भी आपको हर जगह पे एक्स स्क्वायर दिखे इस तरह का सम, जब भी एक्स स्क्वायर सारी जगह पे एक्स स्क्वायर दिखे तो आपको एक्स स्क्वायर को एम कंसिडर कर लेना है. आइदर एक्स स्क्वायर को एम ले लो या आपको थ्री से प्रैक्टिस करना है तो आप थ्री से भी प्रैक्टिस कर सकते हो. यहाँ पर ये सॉल्व एग्जाम्पल्स है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एम लिया है तो आपका ये सम हो जाएगा टू एम माइनस थ्री एम माइनस फाइव और ये हो जाएगा एम प्लस फोर. तो ये आपका प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉपर रैशनल फंक्शन. तो आप देख सकते हो ये हो गया डिस्टिंक्ट फैक्टर, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करेंगे. सो यू विल गेट ए अपॉन दिस बी अपॉन दिस. फिर जिस तरह से हमने पार्शियल फ्रैक्शन आज के लेक्चर में डिस्टिंक्ट लिनियर फैक्टर्स पे सम किए हैं और आपको जो जो आइडियाज बताया है विद द हेल्प ऑफ दैट आइडियाज यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी. फिर आप ए और बी की वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए, इस प्लेस पे ए डाल दीजिए बी डाल दीजिए
एज वेल एज एम के जगह पे एक्स स्क्वायर भी डाल दीजिए, ये काम आपको करना है। सो व्हाट यू विल गेट माय डियर स्टूडेंट्स, आप इसको जस्ट सब्स्टिट्यूट कर दो फटाफट फटाफट, तो आपको क्या मिलेगा, लेट अस सी। यू विल गेट सी हियर, देयरफॉर आपको ये स्टेप्स में सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 2x² - 3 अपॉन अपॉन x² - 5 x² + 4 इज इक्वल टू व्हाट इज इट, दैट इज 7/9 7/9 x² - 5 प्लस 11/9 अपॉन x² + 4। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये सब मिल जाएगा। नाउ आफ्टर दिस आप देख सकते हैं मैंने नेक्स्ट पेज पे इसे सॉल्व करके दिया है, ये आपको मिलेगा, बाद में आपको इसे इंटीग्रेट करना है। तो आप देख सकते हैं 7/9 ऑफ दिस प्लस 11/9 ऑफ दिस, फिर m के प्लेस पे मैंने x² भी डाल दिया है, आपको ये मिल गया। फिर आफ्टर दैट ये आप दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, 7/9 बाहर आ जाएगा, ये 5 को क्या लिखा, √5 का स्क्वायर लिखा, 4 को क्या लिखा, 2² लिखा, और फाइनली यहाँ पर दो फॉर्मूले लगाए गए। कौन से दो फॉर्मूले, मैं आपको फॉर्मूले याद करवा देता हूँ। इंटीग्रेशन यहाँ पे लगाया गया, इंटीग्रेशन 1/x² - a² dx विच इज 1/2a log (x - a)/(x + a) + c। और यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगा माय डियर स्टूडेंट्स 1/x² + a² ये फॉर्मूला कॉमर्स को नहीं है बट साइंस स्टूडेंट्स को है। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स अगर ये फॉर्मूला का सम आया तो आपका फॉर्मूला आप खाली याद रखो, बट इट इज नॉट इन योर सिलेबस। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, 1/a tan inverse x/a + c। तो आप देख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन जो है वो ये 1/a tan inverse x/a हुआ, और ये वाले पार्ट का जो इंटीग्रेशन है दैट इज 1/2a log (x - a)/(x + a) हो गया। आफ्टर दैट यू सिंप्लीफाई द स्टेप्स, यू विल गेट द फाइनल आंसर। होप दैट आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शंस पे टाइप ए पे बहुत सारे सम्स कराए हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन 4 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें से टाइप ए हमने आज के लेक्चर में कवर किया। इन लेक्चर नंबर 18 वी कंप्लीटेड टाइप ए डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइप बी रिपीटेड लीनियर फैक्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इंटीग्रेशन के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे होंगे तो आप प्लेलिस्ट में जाके, मैंने इंटीग्रेशन पे एक प्लेलिस्ट बनाया है, आप व्यू फुल प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और आपको इंटीग्रेशन के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप सारे वीडियोस देख लें, समझ लें, और कोई भी अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।